24 एकादशियों का फल देती है निर्जला एकादशी। इस व्रत को करने से पहले जान ले ये जरूरी नियम। नमस्कार, मैं हूँ सिमरन और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दिन श्री हरि की उपासना करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। साल में 24 एकादशियां आती हैं, जिसमें निर्जला एकादशी का व्रत सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहते हैं कि निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों का फल देता है। निर्जला एकादशी के व्रत में पानी की एक बूंद भी ग्रहण नहीं की जाती है। कठोर नियमों के कारण सभी एकादशी व्रतों में निर्जला एकादशी का व्रत सबसे कठिन माना जाता है। तो चलिए ऐसे में जानते हैं कि निर्जला एकादशी व्रत करने से पहले किन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है। देखिए, आपको बता दें कि निर्जला एकादशी व्रत की तिथि और महत्व हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 17 जून को सुबह 4:43 से होगा और इसका समापन 18 जून को सुबह 7:28 पर होगा। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून यानी मंगलवार को रखा जाएगा। जो लोग साल की सभी 24 एकादशी का उपवास नहीं कर पा रहे हैं, वे निर्जला एकादशी का व्रत रख सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी उपवास करने से दूसरी सभी एकादशियों का लाभ प्राप्त होता है। आपको बता दें, निर्जला एकादशी का व्रत बिना अन्न और जल के रखा जाता है। इस व्रत में जल ग्रहण नहीं किया जाता है, इसीलिए इसे निर्जला व्रत कहते हैं। एकादशी व्रत के अगले दिन सूर्योदय के पारण किया जाता है। वहीं एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले करना अति आवश्यक है। यदि द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। वहीं द्वादशी तिथि के अंदर पारण ना करना पाप करने के समान होता है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा भी करें और एकादशी के दिन व्रत कथा भी जरूर पढ़ें। इसके अलावा निर्जला एकादशी के दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन अन्न के साथ जल का भी दान करें और राहगीरों से लेकर पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी करें। जल का दान करने से विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। वहीं एकादशी के दिन तुलसी को स्पर्श करना वर्जित माना गया है। इस दिन तुलसी में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। साथ ही निर्जला एकादशी के दिन आपको तामसिक चीजों से दूर रहना है। वहीं निर्जला एकादशी व्रत के दिन जमीन पर भी सोना चाहिए। इसी के साथ निर्जला एकादशी व्रत में अन्न और जल को ग्रहण नहीं किया जाता है। वहीं व्रत का पारण करने के बाद ही जल का आपको सेवन करना है। इसी के साथ निर्जला एकादशी के दिन चावल का सेवन भूलकर भी ना करें, ना ही बाल, नाखून और दाढ़ी कटवाएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी और जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल। तब तक के लिए